अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हरी वंस अगेन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और उम्मीद है आउटर लेवल्स की अपने प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लिए होंगे सारे के सारे, क्योंकि रमज़ान जो है फर्स्ट रमज़ान आज स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा सुबह सुबह आए हैं, क्यों ना आप लोगों के लिए एक डिटेल रिव्यू जो है वो वर्कशॉप का शेयर करें कि रमज़ान की स्टार्टिंग में हमारे ऊपर जो है वो कितना लोड है। हमने टारगेट रखा था कि हम जो है फर्स्ट रमज़ान से पहले जो है वो अपनी जो कन्वर्जन जो तैयार गाड़ी हैं वो हम डिलीवर कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रायल्स ही अभी चल रही हैं। कस्टमर्स हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार ट्रायल्स आपने लेनी है, हमारे हाथ में जब गाड़ी आए वो हमने कम्प्लीटली तौर पर जो है वो हमने रेडी चाहिए, उसके अंदर कोई काम ना हो। सो गाड़ी ट्रायल भी चल रही हैं, अभी ये गाड़ी ट्रायल है, LC 300 है, इसकी गाड़ी की भी ट्रायल चल रही है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसे एक से दो दिन के अंदर डिलीवर कर दें। ये एक ब्लैक कलर का अंदर हमने मॉन्स्टर तैयार किया था, ये भी इसकी भी अभी ट्रायल चल रही है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि कंपाउंड पॉलिशेस से पहले जो है वो गाड़ियों की ट्रायल ख़त्म कर लें। इसके बाद एक LC 100 हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसका अभी अभी मैंने जो है वो डिटेल कंपेरिजन रिव्यू बनाया है। अगर तो अभी तक आप लोगों ने स्टिल वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाएँ, डिटेल कंपैरिजन वीडियो जेन्युइन LC 200 के साथ मैंने कंपैरिजन की है और बड़ी खूबसूरत वीडियो तैयार हुई है। आप लोग वीडियो लाजमी देखिएगा अगर तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी। ये कंप्लीट तीन गाड़ियां जो है ट्रायल के ऊपर हैं, और इसके साथ साथ अभी एक रिसेंटली एक गाड़ी प्रोजेक्ट हमने पकड़ाया था कन्वर्जन के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है LC 200 का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये 2001 का मॉडल है जो अभी फेस शिफ्ट होना है, और अभी ये तकरीबन इसकी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करने है 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा था और हमारा टारगेट था कि जितनी जल्दी हो सके हम जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें। लेकिन ट्रायल के ऊपर जब तक हम गाड़ी क्लियर नहीं कर सकते तब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। ये हमारे पास अच्छा, वैसे मैं ना आप लोगों को काउंटिंग करके बता देता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ जो है वो इस टाइम ऑर्डर लेवल्स के ऊपर हैं। एक ये प्रोजेक्ट हमने अभी डिलीवर करना है, ठीक है, और ये सेकंड प्रोजेक्ट है LC 300 का जो अभी डिलीवर होना है। ये थर्ड प्रोजेक्ट है लैंड क्रूजर 2021 मॉडल जो हमने फेस शिफ्ट की है, ये तीसरा प्रोजेक्ट है, और ये चौथा प्रोजेक्ट है जो कि हमने कंप्लीट बॉडी रिस्टोर करना है। वो पांचवा प्रोजेक्ट है जो खड़ा हुआ है जो अभी रिसेंटली आया है, ये छठा प्रोजेक्ट है जो अभी कम्प्लीट बॉडी जो है वो अभी पेंट की तरफ जाना है, बॉडी पैनल जो है वो तकरीबन फिनिश हो चुकी है, छः, ठीक है, याद रखिएगा 6 4 5 6, ये छः प्रोजेक्ट जो हैं ये अभी बाहर हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास ये दोनों गाड़ियाँ हैं, इसका मैं इंटीरियर दिखा देता हूँ, कंप्लीट इंटीरियर, वैसे डिटेल रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, कंप्लीट रिव्यू जो है वो कंप्लीट रिव्यू आपको अपलोड हो चुका है। गाड़ी कंप्लीटली तौर पे इंटीरियर एक्सटीरियर से फेसशूट हो चुकी है, बहुत मज़े की गाड़ी रही है। अभी तक का मुझे ट्रायल के ऊपर जो गाड़ी पसंद आई है ना, वो एक ये पसंद आई है, और वो एक LC 100 पसंद आई थी ब्लैक कलर की, जो हमने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, एक वो गाड़ी पसंद आई थी। कंप्लीट इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तैयार हुआ है, और इसके अलावा एक ये प्रोजेक्ट है, ये भी कंप्लीट डिटेल के लिए आई हुई है, इसकी काफ़ी सारे काम है, तकरीबन सारे काम इस गाड़ी के होने वाले हैं। इस गाड़ी में इसकी सीट्स भी तैयार होनी है दोबारा, रूम भी कंप्लीट इंटीरियर फेस शिफ्ट होना है, इसका कंप्लीट बॉडी पैनल भी जो है ना वो पेंट वगैरह होने हैं, और गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा काम है। ये यार सातवीं गाड़ी है, ये सातवां प्रोजेक्ट जो है ये LC 200 का प्रोजेक्ट है, नवीद साहब की गाड़ी है, अभी रिसेंटली परसों इस गाड़ी को पेंट लगा है, पेंट लग के बाहर आई है गाड़ी, और हर एक चीज़ गाड़ी के जो है वो फिनिशिंग के अंदर है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेजरिंग करके भी आपको हर एक चीज़ बताई है, पिछली वीडियो के अंदर लाजमी देख लीजिएगा। इसका क्वार्टर फेंडर भी जो है इसका इंस्टॉल होना है, बच्चे जो है इसकी वायरिंग कर रहे हैं, कंप्लीट इंटीरियर इसका खुला हुआ है, देखिए कितना वो सांचा खुला हुआ है, कोई कस्टमर अगर जो है ना इस हालत में गाड़ी देख लें तो वो डर जाएँ। सो ये सातवीं गाड़ी है, ठीक है, आठवीं एक ये प्रोजेक्ट है, ये LC 80 सीरीज का प्रोजेक्ट है। ये गाड़ी हमारे पास आई थी और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यार गाड़ी आप फेस शिफ्ट कर दें, लेकिन हमने कहा ये गाड़ी जब फेस शिफ्ट नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, करने को हो जाए लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब सी देखने को मिलेगी। तो हमने कहा आपको प्रोजेक्ट तैयार करके देते हैं, आपको मज़ा ना आए तो हम आपके आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट LC 80 सीरीज़ का जो है वो इंटीरियर एक्सटीरियर से तैयार हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला इसे पेंट वगैरह लग गया है, लेकिन अंदर से तकरीबन सारा सामान जो है इसका रिस्टोर हो रहा है। ये एक और प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है वो हाजी खलील मेरे ख्याल से उनका प्रोजेक्ट है ये, और कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है LC 300 का है। अभी इसकी प्लास्टिक पैनलिंग का जो काम हो रहा है, एक्सटीरियर तकरीबन सारी फिट हो गई है, ये ओवर फेंडर्स का काम हो रहा है, ओवर फेंडर्स के अंदर क्योंकि इसके अंदर पैचेज़ आते हैं वो पैचेज़ लग रहे हैं, और यहाँ पर भी टीम वगैरह लगी हुई है। कम्प्लीट फ्रंट जो है इसका शो वो फिट हो चुका है, और ये जो है 9वां प्रोजेक्ट मैंने आपको गिनवाया है। ये सिर्फ अभी रमज़ान का स्टार्टअप है, और ईद में हमने किस तरह घर जाना है उसका अभी हमें खुद भी ख्याल नहीं है।
तो ये नवा प्रोजेक्ट है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो नॉर्मली छोटे मोटे टचअप्स हैं उसके लिए गाड़ी आती है, काशिर किंग की RX-8 है और इसके बम्पर्स वगैरह पेंट होने वाले थे तो उसके लिए आई थी। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ये ओल्ड मॉडल से न्यू मॉडल्स कन्वर्जन हैं। उस्मान साहब भी हमें यहीं पर मिल गए हैं, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। माइक एक ही आज हमारे पास, क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? मजदूरी कर रहे हैं, क्या करना है? अच्छा यार, मैं ना वैसे क्या आप क्या कर रहे हैं? मैं यार दरअसल ना काउंटिंग बता रहा था, वो लोग जो है ना किस की काउंटिंग? वो प्रोजेक्ट हम मैं बता रहा था कि हमारे पास जितने रमजान का जो टारगेट है ना वो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, तो मैंने कहा कि काउंट कर करके क्यों ना बताऊं कि यार लोगों को कि ये प्रोजेक्ट अभी होने वाला है। तो अभी तक के जो है ना वो 9 प्रोजेक्ट मैं गिनवा चुका हूँ, उससे आगे मैं करा दूँ, उससे आगे यार ये तो और भी अच्छी बात होगी, उससे आगे आप गिनवा दें। एक वो प्रोजेक्ट वैसे नहीं काउंट किया मैंने, वो 10वां हो गया, वो जो दसवां खड़ी हुई 10वां हो गया, 10वें से आगे फिर आप बिस्मिल्लाह करें जी। वीडियो बन रही है, व्लॉग बना रहे हैं, व्लॉग ये वीडियो YouTube पे अपलोड होगा, वो 10वां प्रोजेक्ट है और मैं बता चुका हूँ कि ये रमजान का फर्स्ट डे है। आप यहाँ बनाते ही नहीं है वीडियो, जब बनाते हैं सारी इकट्ठी करके बनाते हैं, क्या मतलब? देखिए हमारे पास लोड उस्मान भी इतना होता है कि एक कस्टमर्स की को सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो है ना वो डिलीवर होती है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहता है। अभी भी 1-2-3 प्रोजेक्ट के ट्रायल चल रहे हैं, कस्टमर हमसे इस तरह गाड़ी लेते ही नहीं है, वो कहता है कि यार आपने खुद ट्रायल लेनी है, खुद सली करके फिर हमें देनी करके फिर हमें देनी है, तो उस चक्कर के अंदर ना डिटेल रिव्यू नहीं होता, लेकिन जब होता है तो लग समझ जाती है सारों को कि हाँ भाई ऑटो लेवल्स काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले का काम नहीं कर रहे। एक वीडियो अपलोड की है वो भी जाके देख लीजिएगा। मजीद बिस्मिल्लाह आइए इसी आगे, मैं गिनती शुरू करता हूँ। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 11 प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं, ये गाड़ी है कंप्लेन की, कुछ हमारी इसमें मिस्टेक है और कुछ गाड़ी लगी है, थोड़ी यहाँ पे डंडा आ गया। बेसिकली गाड़ी वही है जिसका आपने एंड पे रिव्यू देखा होगा, ये मंडी बहाउद्दीन से है, रेंट का काम करते हैं, शादी का काफ़ी लोड था उनके पास। ये देखें यहाँ से थोड़ी गाड़ी लगी है, थोड़ी ये लगी गाड़ी, और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये पीछे से यहाँ से गाड़ी लग गई, और हमारी जो कंप्लेन है ये देखें इसका जो गोले छोरे हैं ये उतरे हुए हैं इसके ओवर फेंडर के, और गाड़ी का थोड़ी सी शाइनिंग डल हो गई है, कुछ टेपें शेपें काफ़ी लगी हुई गाड़ी के ऊपर ना, सजाने के लिए टेपें लगती हैं गाड़ी के ऊपर, वो लगी हुई हैं इसके ऊपर। डिग्गी पर उन्होंने अपने होटल का नाम भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये नया प्रोडक्ट है, ये शुरू कर रहे हैं LC 200, इसको बना रहे हैं पूरा, जैसे आपने अभी वीडियो देखी है सेम इसी को भी उसी तरह बना रहे हैं जैसे आपने अभी इसकी वीडियो देख रहे होंगे। हमने ओवरऑल जो गाड़ी तैयार की है मुकम्मल, उस तरह के इशारा बना रहे हैं गाड़ी को भी। ये गाड़ी ये नॉर्मल प्रोजेक्ट में तैयार हो रही है, ये भी ब्लैक कलर में है, और ये गाड़ी भी 200 में तैयार हो रही है। ये साथ आप देख रहे हैं ये लेक्जिस है, ये भी तकरीबन आलमोस्ट फाइनल के ऊपर ही है, इसको भी इंशाल्लाह टारगेट है किसी हफ्ते में रमज़ान के जो फर्स्ट वीक इसको देना है। और इधर आप देख रहे हैं ये प्राडो है, ये भी आलमोस्ट तकरीबन फाइनल है, गाड़ी फिनिशिंग के ऊपर है, छोटे छोटे टक लगे हुए गाड़ी के ऊपर और दोबारा इसको रिपेंट हो रही है। ये गाड़ी भी न्यू प्रोडक्ट है, ये LC 300 तैयार हो रहा है, और इसी तरह आप अंदर देख रहे हैं पेंट बूथ के अंदर यहाँ पे गाड़ी LC 200 है, LC 200 है, इसको भी पेंट की तैयारी में, बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, रमज़ान का पहला दिन है और कोई तलावत सुन रहा है, कोई इस नाते लगाई हुई है, ठीक है। ये था आज का हमारा मुकम्मल रिव्यू वर्कशॉप का, जैसे आपने देखा है, जैसे आपने अली ने आपको बताया, इंशाल्लाह बस कोशिश होती है अच्छा काम करने में, लेकिन फिर भी कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे इस गाड़ी में आपने देखा छोटे मोटे काम है। ये था हमारा आज का मुकम्मल रिव्यू वर्कशॉप का, और जैसा कि आज रमज़ान का पहला दिन है, और पहले दिन में हमने आपको पूरे रमज़ान का जो शेड्यूल हमने बताया, 3 प्रोजेक्ट नए हैं, 2 प्रोजेक्ट की भी गुंजाइश है अभी जो इंशाल्लाह रमज़ान में कर पाएंगे, 3 हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस रमज़ान में हमने 5 प्रोजेक्ट नए न्यू देने हैं, और जो बाकी जो काम प्रोजेक्ट चल रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट इसका कवरिंग है हम करेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के फर्स्ट वीक के अंदर, जो पुराने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और रमज़ान के फर्स्ट वीक मुकम्मल करेंगे, जो एंड वाले 3 वीक हैं इंशाल्लाह उसके अंदर जो 5 हमारे प्रोजेक्ट हैं उसे क्लोजअप करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो। ये था हमारा आज का मुकम्मल रिव्यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो, हमारा पूरा ओवर रिव्यू है जो हमने पूरा आपको दिखाया आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा,
इसी से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।